हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रॉबिन गर्ग। आज की क्लास में मैं आपके सामने डायपोल मोमेंट डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि केमिकल बॉन्डिंग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इसमें हम कई सारे कॉन्सेप्ट कवर करने वाले हैं जो कि जेई एडवांस से भी रिलेटेड हैं। तो ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट के बारे में आपने पढ़ा भी होगा कि डायपोल मोमेंट जो है एक कंपाउंड की पोलैरिटी की को मेजर करने के काम में आता है। मतलब डायपोल मोमेंट से क्या पता चलता है, डायपोल मोमेंट से ही पता चलता है पोलैरिटी ऑफ ए कंपाउंड, पोलैरिटी ऑफ ए कंपाउंड इज मेजर्ड बाय using dipole moment। कि कोई कंपाउंड पोलर होगा या नॉन पोलर होगा, इस चीज को कौन एक्सप्लेन करता है, इस चीज को एक्सप्लेन करता है डायपोल मोमेंट। कैसे करता है ये डायपोल मोमेंट जो है, इसका सिंबल होता है म्यू। ठीक है, अगर म्यू की वैल्यू जीरो है, इसका मतलब कंपाउंड जो है वो अपने पास क्या होगा, नॉन पोलर कंपाउंड होगा। और अगर म्यू की वैल्यू नॉन जीरो है, दैट मींस कंपाउंड विल बी पोलर। तो पहली चीज तो ये है कि डायपोल मोमेंट क्या बताता है। डायपोल मोमेंट ये बताता है कि कंपाउंड जो है वो पोलर है या नॉन पोलर है। उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसको मेजर करने के लिए डायपोल मोमेंट की जरूरत पड़ती है। सेकेंड थिंग क्या है, सेकेंड थिंग ये है कि किसी कंपाउंड के अंदर, किसी कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर कितनी आयनिक कैरेक्टर होती है। आयनिक कैरेक्टर, आयनिक कैरेक्टर इन ए कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक कैरेक्टर इन ए कोवेलेंट बॉन्ड इज मेजर्ड बाय डायपोल मोमेंट, इज मेजर्ड बाय डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट से किसी कंपाउंड के अंदर, कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर कितनी आयनिक कैरेक्टर होगी, उसको मेजर किया जाता है। अब ध्यान देना बच्चों, कैसे मेजर किया जाता है। अगर मान के चलो कि मैं कंपाउंड लेता हूं आपके सामने, H और H का एक कंपाउंड लेता हूं, H2 मॉलिक्यूल की मैं बात करता हूं। तो यहां पर H और H के बीच आपको एक बॉन्ड नजर आ रहा होगा। इस बॉन्ड को मैं यहां पर लिख रहा हूं कि ये बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड है, और कोवेलेंट बॉन्ड के साथ मैंने एक चीज को और लिखा है कि ये बॉन्ड प्योरली कोवेलेंट बॉन्ड है। मतलब इस बॉन्ड के अंदर परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर क्या है, जीरो है। लेकिन अगर मैं दूसरा कंपाउंड लूं, डाइएटॉमिक कंपाउंड लेता हूं, मॉलिक्यूल लेता हूं HCl, तो इस कंपाउंड के अंदर भी H और Cl के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है। इस कंपाउंड में भी H और Cl के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन इस कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर कुछ आयनिक कैरेक्टर भी प्रेजेंट है। आयनिक कैरेक्टर जीरो नहीं है, जैसे H2 के लिए H और H के बीच आयनिक कैरेक्टर क्या थी, जीरो थी। लेकिन HCl बॉन्ड के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड है ये, और इसमें आयनिक कैरेक्टर जीरो नहीं होगी, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इस कंपाउंड, इस वाले बॉन्ड के अंदर नॉन जीरो होगी। इस वाला जो था यहाँ पर H और H के बीच में जो आपने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया था, प्योरली कोवेलेंट बॉन्ड जो था, इसके अंदर परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर जीरो थी। अब ऐसा क्यों हुआ, अब ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि अपने पास दो कंपाउंड है, अपने पास दो कंपाउंड लिए हमने H2 और HCl। इन दोनों कंपाउंड में क्या है, H और H दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है। अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी, तो जब ये बॉन्ड अगर यहां से ब्रेक करोगे, जब यहां से इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे, तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने पर क्या होगा कि इस बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं, उन दोनों इलेक्ट्रॉन का सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। लेकिन जब आप H और Cl के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करते हो, तो यहाँ बॉन्ड, यहाँ पर जो बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उनका अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। वो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ मूव करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन उस एटम की तरफ मूव करेंगे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। H की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, H की हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, तो ये वैल्यू होती है 2.1। पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग ये वैल्यू है,
और Cl की अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो ये वैल्यू होती है 3 के इक्वल, ये वैल्यू होती है 3। तो दोनों एटम की मैंने आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताई, तो इस बॉन्ड को तोड़ने पर इसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ ट्रांसफर होंगे, क्लोरीन एटम की तरफ ट्रांसफर होंगे। अगर ये क्लोरीन एटम की तरफ ट्रांसफर होंगे तो यहाँ पर H के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा और क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव आएगा, क्योंकि एग्जैक्टली प्लस माइनस क्यों नहीं लिखा मैंने, क्योंकि यहाँ ये बॉन्ड आयनिक बॉन्ड नहीं है, यहाँ आयनिक कैरेक्टर है, इस कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर थोड़ी बहुत आयनिक कैरेक्टर है। अगर यहाँ पर ये बॉन्ड प्योरली आयनिक बॉन्ड होता तो इसके अंदर मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता था H प्लस और Cl माइनस, जैसे आप HCl को वाटर में डिजोल्व करते हो तो उस कंडीशन में ये दो आयन्स में टूट जाता है, H प्लस और Cl माइनस। H प्लस आयन्स वाटर से सराउंडेड होते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल से सराउंडेड होते हैं, ऐसे Cl माइनस के जो आयन्स होते हैं वो भी वाटर के मॉलिक्यूल से सराउंडेड होते हैं, इसलिए आपने लिखा देखा होगा कि एच प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस। अब इस HCl को ना गैसेज स्टेट में, आप यहाँ पर गैसेज स्टेट में आप इसको H प्लस और Cl माइनस की फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। क्यों नहीं लिख सकते हो, क्योंकि ये बॉन्ड अभी कोवेलेंट बॉन्ड है और इसके अंदर आयनिक कैरेक्टर नॉन जीरो है। बात समझ में आती है, आयनिक कैरेक्टर इसमें इसमें क्या है, नॉन जीरो है, मतलब थोड़ी बहुत आयनिक कैरेक्टर भी प्रेजेंट है। और उस आयनिक कैरेक्टर का पता कैसे चलता है कि जब आप इसको वाटर में डिजोल्व करोगे तो ये H प्लस और Cl माइनस आयन्स में टूट जाता है, इसलिए हम कह रहे हैं कि इसमें परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर नॉन जीरो है। अब एच टू को वाटर में डिजोल्व करोगे तो वो थोड़ी आयन्स में टूटेगा कि एच प्लस और एच माइनस आयन्स में टूटे, इसलिए उस बॉन्ड के अंदर परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर क्या होगी, जीरो होगी। तो इन दोनों से मैंने आपको रिलेट कराया कि किसी कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर आयनिक कैरेक्टर होती है, किसी कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर आयनिक कैरेक्टर अगर है तो उसको मेजर किया जाता है बाय यूजिंग डायपोल मोमेंट। तो ये आपको समझ में आया होगा कि हम डायपोल मोमेंट को कैसे रिलेट करते हैं और डायपोल मोमेंट का क्या यूज होता है। तो अब चलिए अब हम पढ़ते हैं कि डायपोल मोमेंट एक्चुअल में मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मैं यहां पर बताने जा रहा हूं कि डायपोल मोमेंट को मैथमेटिकली कैसे बताते हैं। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन डायपोल मोमेंट का वो क्या होता है बच्चों, जैसे कि अपने पास मान लीजिए दो चार्जेस हैं, एक चार्ज है प्लस क्यू और दूसरा चार्ज अपने पास है माइनस क्यू, ठीक है, दोनों सेम मैग्नीट्यूड के मैंने चार्ज यूज कर लिए। अब इन दोनों चार्जेस के सेंटर के बीच की डिस्टेंस, दोनों चार्जेस के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है उसको मैंने मान लिया यहां पर सपोज डी के इक्वल है, इन दोनों चार्जेस के बीच सेंटर के बीच की डिस्टेंस को मैंने मान लिया डी है, तो इसका जो डायपोल मोमेंट होगा दैट इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। क्यू का यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड यूज करते हैं क्योंकि दो अपोजिट चार्ज हैं, तो अगर मान लो आपने नेगेटिव साइन यूज कर लिया तो नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव ले लिया तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन डायपोल मोमेंट की हम साइन की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिंपली उसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो डायपोल मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी क्यू इंटू डी, दैट विल बी क्यू इंटू डी। तो ये म्यू क्या है, म्यू जो है यहाँ पर बच्चों इसी को हम कहते हैं डायपोल मोमेंट। डायपोल का मतलब क्या है, डाई का मतलब है टू और पोल का मतलब है पोल्स, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस से जो मिलकर के बना है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को रिलेट करके जो हमने बनाया है दैट इज डायपोल। अब डायपोल का एक मोमेंट होता है इसको हम बोलते हैं डायपोल मोमेंट, दैट इज कैलकुलेटेड बाय प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ दो चार्जेस, आप ये कह सकते हो। तो डायपोल मोमेंट को हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब डायपोल मोमेंट को कैलकुलेट कर लिया अपन ने, अब म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी आ गया यहाँ पर, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर सपोज करो कि अपने पास जैसे H2 का, H2 की बात हो रही थी, तो H2 मॉलिक्यूल्स को, H2 मॉलिक्यूल के बीच जो H और H के बीच जो कोवेलेंट बॉन्ड है उस बॉन्ड को ब्रेक करने पर दोनों तरफ, जैसे दोनों H जो अपने पास हैं उनमें से किसी एक के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव नहीं आएगा, तो वहां पर चार्ज क्या है, जीरो है, इसलिए डायपोल मोमेंट वहां पर क्या होगा, जीरो होगा, वहां पर डायपोल मोमेंट जीरो होगा। लेकिन ऐसे कंपाउंड जहां पर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है तो उस कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से डायपोल मोमेंट आ रहा होगा।
अब किसी कंपाउंड का अगर डायपोल मोमेंट आपको बताना है तो कैसे बताओगे? तो जैसे मान के चलिए अपने पास, जैसे कि मान लो एक डायपोल मोमेंट, एक बॉन्ड का डायपोल मोमेंट म्यू वन है, दूसरे बॉन्ड का जो डायपोल मोमेंट है दैट इज म्यू टू, और इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, म्यू रिजल्टेंट जो होगा यहाँ पर, दैट विल बी इक्वल टू रूट म्यू वन स्क्वायर प्लस म्यू टू स्क्वायर प्लस टू म्यू वन म्यू टू कॉस थीटा। ये है इसका डायपोल मोमेंट का रिजल्टेंट, इन दोनों डायपोल मोमेंट का रिजल्टेंट। तो अगर किसी कंपाउंड के अंदर हमें रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट निकालते हैं या निकाला जाता है, तो उसको निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं रूट ऑफ म्यू वन स्क्वायर प्लस म्यू टू स्क्वायर प्लस टू म्यू वन म्यू टू कॉस थीटा। ये म्यू रिजल्टेंट क्या बताएगा? अगर म्यू रिजल्टेंट जीरो है, अगर ये म्यू रिजल्टेंट जो है अगर ये जीरो के इक्वल है, अगर बच्चों ये म्यू रिजल्टेंट किसके बराबर है? जीरो के बराबर है, इसका मतलब कंपाउंड कैसा होगा? नॉन पोलर कंपाउंड होगा, ठीक है। और अगर ये म्यू रिजल्टेंट नॉन जीरो है, इसका मतलब कंपाउंड क्या होगा? पोलर कंपाउंड होगा। और अगर किसी बॉन्ड का डायपोल मोमेंट, ध्यान रखना कंपाउंड का डायपोल मोमेंट से तो कंपाउंड की पोलैरिटी पता चलती है। अगर आप बॉन्ड का डायपोल मोमेंट की बात करो, तो अगर किसी बॉन्ड का डायपोल मोमेंट है तो इसका मतलब वो बॉन्ड पोलर बॉन्ड होगा। अगर किसी बॉन्ड का डायपोल मोमेंट नहीं है, जैसे H2 के अंदर H और H का बीच, H और H के बीच जो बॉन्ड था उसका डायपोल मोमेंट नहीं था, जैसे देखो आप H2 के अंदर आपने H और H के बीच जो कोवलेंट बॉन्ड बनाया है, इस बॉन्ड का डायपोल मोमेंट नहीं होगा क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इसलिए इस बॉन्ड का डायपोल मोमेंट यहाँ पर जीरो होगा। मतलब ये जो बॉन्ड है दैट इज नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, और H और Cl के बीच जो यहाँ पर बॉन्ड होगा दैट विल बी पोलर कोवलेंट बॉन्ड। इस बॉन्ड को मैं क्या नाम दूंगा? पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो मैं लिख भी देता हूं आपके सामने कि H और H के बीच जो बॉन्ड यहाँ पर है दैट इज कॉल्ड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। इस बॉन्ड को कहेंगे नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। H और Cl के बीच जो यहां पर बॉन्ड आपने बनाया है दैट इज कॉल्ड पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि कंपाउंड में पोलर कोवलेंट बॉन्ड हो तो कंपाउंड भी पोलर होगा। अगर किसी कंपाउंड के अंदर एक से ज्यादा बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसका डायपोल मोमेंट हम कैलकुलेट करेंगे रूट म्यू वन स्क्वायर प्लस म्यू टू स्क्वायर प्लस टू म्यू वन म्यू टू कॉस थीटा से। और अगर रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट जीरो है दैट मीन्स कंपाउंड विल बी नॉन पोलर, और अगर नेट रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो दैट मीन्स इट विल बी पोलर कंपाउंड। तो मैंने दोनों चीजें आपको बता दी है, मैं फिर से आपके सामने रिपीट कर देता हूं बच्चों कि अगर किसी बॉन्ड का डायपोल मोमेंट जीरो है इसका मतलब वो बॉन्ड कैसा होगा? नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा। और अगर किसी बॉन्ड का डायपोल मोमेंट नॉन जीरो है तो इसका मतलब वो बॉन्ड पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा। पोलर कोवलेंट बॉन्ड कब होगा? जब वो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आएगा तो डिफरेंट एटम के बीच आप कोवलेंट बॉन्ड को बनाओगे। अगर दो सेम एटम के बीच कोवलेंट बॉन्ड को बनाओगे तो उसका डायपोल मोमेंट क्या होगा? जीरो होगा। बात समझ में आ गई? और कंपाउंड की पोलैरिटी हम किससे बताएंगे? म्यू रिजल्टेंट से। म्यू रिजल्टेंट अगर जीरो होगा तो नॉन पोलर कंपाउंड होगा, म्यू रिजल्टेंट नॉन जीरो होगा तो कंपाउंड पोलर होगा। जैसे वेक्टर एडिशन आपने पढ़ाई है कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट हम कैसे निकालते हैं, तो वही फॉर्मूला मैंने यहाँ पर यूज किया है, ठीक है भाई। चलिए अब बच्चों मैं आपको बताता हूं कि जो डायपोल मोमेंट है इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है, मैं सबसे पहले लिख देता हूं डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड डायपोल मोमेंट, किसी बॉन्ड के डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन, समझ में आ रहा है ना? डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड डायपोल मोमेंट इज
towards more electronegative atom, या मैं लिख देता हूं direction of bond dipole moment will be from less electronegative atom to more electronegative atom, more electronegative atom. इस तरह से हम डायपोल मोमेंट की, बॉन्ड की डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन को बता सकते हैं. चलिए जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, मैंने कंपाउंड लिया H2, तो H2 में तो क्या है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी तो क्या होगा, डायपोल मोमेंट जीरो होगा. मतलब कंपाउंड कैसा होगा, नॉन पोलर कंपाउंड होगा. अब मैंने कंपाउंड लिया मान लो एच और एफ से मिलकर बनने वाला कंपाउंड HF, इसमें डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, एरो से रिप्रेजेंट करते हैं इसको बच्चों हम. तो मैंने एरो बनाया, तो इस एरो का हेड जो होगा वो फ्लोरीन की तरफ होगा, क्योंकि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो यहां पर डायपोल मोमेंट क्या जीरो हो रहा है, नहीं, नॉन जीरो आएगा. इसका मतलब कंपाउंड कैसा होगा, इसका मतलब कंपाउंड विल बी पोलर. ठीक है, चलिए नेक्स्ट कंपाउंड लेते हैं. इसके बाद जैसे मान लो मैंने कंपाउंड ले लिया BeCl2. अच्छा, कंपाउंड की स्ट्रक्चर बनाने से पहले आप BACPR थ्योरी को भी पढ़ लेना, क्योंकि BACPR थ्योरी के अकॉर्डिंग जो स्ट्रक्चर आपने बनाई है, जो उसकी ज्योमेट्री आपने बनाई है, जो उसकी शेप आपने बनाई है, उसी को ही हमको यूज करना है यहाँ पर. अब देखो बी और सी एल, ठीक है. अब यहाँ पर देखो क्या है, एक तो बेरिलियम और क्लोरीन, इस वाले बॉन्ड का डायपोल मोमेंट होगा बी और सी एल. इसमें से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, क्लोरीन है, तो इसके डायपोल मोमेंट मान लो हो गया μ1. ठीक है, दूसरा डायपोल मोमेंट है बेरिलियम और क्लोरीन के बीच इधर की तरफ, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, फिर से अगेन क्लोरीन की तरफ होगी. मान लो इसको मैं बोल रहा हूं μ2, तो बच्चों क्या कह सकते हैं कि μ1 इज इक्वल टू μ2 है, बिल्कुल है, μ1 इज इक्वल टू μ2 है, और थीटा कितना है 180 डिग्री, दोनों बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट साइड है ना. μ1 और μ2 के बीच एंगल क्या होगा बच्चों, 180 डिग्री होगा, और μ1 μ2 बिल्कुल मैग्नीट्यूड में सेम होंगे. क्यों होंगे, क्योंकि दोनों ही सेम बॉन्ड के डायपोल मोमेंट है. μ1 बेरिलियम और क्लोरीन के बीच के बॉन्ड का डायपोल मोमेंट है, μ2 क्या है, बेरिलियम दूसरे बेरिलियम और क्लोरीन के बीच के बॉन्ड का डायपोल मोमेंट होगा. तो दोनों जो बॉन्ड सेम है तो डायपोल मोमेंट भी तो सेम होगा दोनों का, तो μ1 इक्वल टू μ2 होगा, तो इसका जो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट होगा दैट विल बी जीरो. तो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट जीरो होने का मतलब कंपाउंड कैसा होगा, नॉन पोलर कंपाउंड होगा, नॉन पोलर कंपाउंड होगा. समझ में आ गई होगी बात. चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं बच्चों, इसका CO2, कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड में अपने पास फिर से देखो चार बॉन्ड है, एक तो सी डबल बॉन्ड O, एक सी डबल बॉन्ड O. अब ये सी डबल बॉन्ड जो O है, एक जो बॉन्ड की मैं बात करूं, मान लो इस वाले बॉन्ड की बात करता हूं, ठीक है. अब मैं अगर इस वाले बॉन्ड की बात करूंगा तो इस बॉन्ड का जो डायपोल मोमेंट होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो नो डाउट कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ होगी, कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव. और ये जो डायपोल मोमेंट है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, इसकी डायरेक्शन भी ऑक्सीजन की तरफ होगी. क्या ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, μ1 μ2 क्या सेम है, हाँ बिल्कुल, अगेन μ1 इज इक्वल टू μ2 होगा, और थीटा कितना है 180 डिग्री. तो इसका नेट रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा. मतलब कंपाउंड कैसा होगा, नॉन पोलर कंपाउंड होगा, कंपाउंड विल बी नॉन पोलर. ठीक है, ऐसे ही हम एग्जांपल और ले सकते हैं. मान लीजिए हमने ले लिया BCl3 ले लिया, चलो बच्चों BCl3 ले लिया. आप सोचने की कोशिश करो BCl3 में क्या होगा, BCl3 की शेप कैसी होती है, ट्राइगोनल प्लेनर, पढ़ी है ना. अब BCl3 की शेप है ट्राइगोनल प्लेनर, तो अब यहां पर तीन बॉन्ड हैं,
तीनों बॉन्ड का अलग अलग डायपोल मोमेंट होगा। डायरेक्शन क्या होगी, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इस वाले बॉन्ड के डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी बोरोन से क्लोरीन। ऐसे ये दूसरा बॉन्ड हो गया, इसकी डायरेक्शन भी बोरोन से क्लोरीन की तरफ हो गई। ये तीसरा बॉन्ड हो गया, इसकी डायरेक्शन भी बोरोन से क्लोरीन की तरफ हो गई। ठीक है, मान लीजिए ये अपने पास तीन है, म्यू वन, म्यू टू और म्यू थ्री। म्यू टू और म्यू थ्री का जो रिजल्टेंट आएगा दैट विल बी ये म्यू आर। ये मैं म्यू लिख देता हूं, मान लो म्यू फोर लिख देता हूं। चलो म्यू फोर क्या है, रिजल्टेंट ऑफ म्यू टू एंड म्यू थ्री। म्यू टू और म्यू थ्री का रिजल्टेंट है बच्चों म्यू फोर, और ये म्यू फोर जो होगा वो एग्जैक्टली म्यू वन के बराबर होगा, और इनके बीच में एंगल कितना है 180 डिग्री। इस कंपाउंड का नेट रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा। मतलब ये कंपाउंड कैसा होगा, नॉन पोलर कंपाउंड होगा। कंपाउंड विल बी नॉन पोलर। बात समझ में आ गई होगी आपको। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए CH4 की बात करें, CH4 ठीक है, टेट्राहेड्रल शेप होती है इसकी, ठीक है ना। तो अब यहां पर क्या होगा, चार डायपोल मोमेंट होंगे, चार बॉन्ड के डायपोल मोमेंट होंगे। तो CH बॉन्ड का ऊपर की तरफ होगा, ये नीचे की इस तरीके से C और H के बीच जो डायपोल मोमेंट होगा उसकी डायरेक्शन होगी H से C की तरफ। H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1, sp3 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5। तो डायरेक्शन क्या होगी, H से कार्बन की तरफ होगी। ऐसे ही सिमिलरली इस वाले डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी H से C की तरफ होगी, और इस वाले डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी H से C की तरफ होगी। इन तीनों का रिजल्टेंट निकालोगे, जैसे कि जो नीचे की तरफ जा रहे हैं, जैसे कि हम बात करें यहां पर इस डायपोल मोमेंट की, इसकी और इसकी, इन तीनों का रिजल्टेंट कहां होगा, ऊपर की तरफ होगा। और वो डायपोल मोमेंट का रिजल्टेंट इसके बिल्कुल इक्वल होगा मैग्नीट्यूड में, और डायरेक्शन में बिल्कुल अपोजिट होगा। इसलिए इस कंपाउंड का डायपोल मोमेंट क्या होगा बच्चों, इस कंपाउंड का नेट रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट जीरो होगा। मतलब कंपाउंड कैसा होगा, नॉन पोलर होगा। इससे आप एक आइडिया लगा सकते हो कि कंपाउंड जिसमें क्या हो, लॉन पेयर नहीं हो, सेंट्रल एटम पे लॉन पेयर नहीं हो, और कंपाउंड की रेगुलर ज्योमेट्री हो, तो ऐसे कंपाउंड का डायपोल मोमेंट जीरो होता है। ठीक है, अगर मैं आपसे कंपेयर कराने के लिए कहूं, जैसे मान लीजिए PCl5 की अपन बात करते हैं, चलिए PCl5, तो PCl5 कैसे होता है, तो ये तीन बॉन्ड तो हो गए भाई अपने ट्रायगोनल प्लेनर की शेप में, और ये अपने दो बॉन्ड हो गए बिल्कुल अपोजिट, दो पिरामिड को फॉर्म कर रहे होंगे, इसलिए इसका नाम क्या होगा, ट्रायगोनल बाईपिरामिडल। ठीक है, अब ध्यान देना, इसमें ये होगा म्यू वन, ये हो जाएगा म्यू टू। शिफ्टिंग की डायरेक्शन क्लोरीन की तरफ होगी, क्यों, क्योंकि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फॉस्फोरस। अब ऐसे ही मैंने इस वाले बॉन्ड का डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन बनाई म्यू थ्री, तो रिजल्टेंट म्यू वन, म्यू टू एंड म्यू थ्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इन तीनों ने तो काम कर दिया अपना, क्योंकि 120 पे है, तीन वेक्टर 120 पे हो तो रिजल्टेंट क्या होता है, जीरो होता है। अब जैसे कि मैंने ये वाला बनाया ऊपर की तरफ और एक आएगा नीचे की तरफ इस तरीके से। अब मान लीजिए इसका नाम मैंने दे दिया म्यू फोर, इसका मैंने नाम दे दिया म्यू फाइव, तो म्यू फोर और म्यू फाइव इक्वल है, और उन दोनों के बीच में एंगल कितना है 180 डिग्री। तो इस कंपाउंड का रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा या नहीं होगा,
तो ये कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, इस कंपाउंड को कहेंगे नॉन पोलर कंपाउंड। तो ये एग्जांपल आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट कंपाउंड लेते हैं आप, जैसे कि PCl4F ले लिया, मान लीजिए मैंने PCl4F ले लिया, ये फ्लोरीन ले लिया भाई और ये क्लोरीन ले लिया PCl4F। अब यहां पर क्या होगा, ये तो पता है ना आपको PCl4F के अंदर तीन क्लोरीन तो एक्सियल पोजीशन पे होते हैं, तीन क्लोरीन इक्विटोरियल पोजीशन पे होते हैं, सॉरी तीन क्लोरीन इक्विटोरियल पोजीशन पे होते हैं, एक क्लोरीन एक्सियल पे होता है और एक क्लोरीन एक्सियल पे होता है। तो इस कंपाउंड के अंदर देखना इन तीनों बॉन्ड का डायपोल मोमेंट तो जीरो हो जाएगा, रिजल्टेंट तीन है 120 पे, म्यू वन म्यू टू और म्यू थ्री, इन तीनों का रिजल्टेंट तो क्या होगा, जीरो होगा। तो रिजल्टेंट ऑफ म्यू वन म्यू टू एंड म्यू थ्री इक्वल टू क्या होगा, जीरो। अब यहां पर P और F के बीच जो बॉन्ड है इसका डायपोल मोमेंट ऊपर की तरफ, और P और Cl के बीच जो बॉन्ड है इसका डायपोल मोमेंट नीचे की तरफ। मान लीजिए म्यू फोर है और ये मान लीजिए म्यू फाइव है, तो क्या म्यू फोर और म्यू फाइव बराबर होंगे, नहीं। तो म्यू फोर और म्यू फाइव अगर सेम नहीं है तो नेट रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट क्या होगा, नॉन जीरो होगा, मतलब कंपाउंड कैसा होगा, पोलर होगा। तो ये बात हो गई PCl4F के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल मैं लेता हूं आपके सामने PCl3F2। आप सोचिए PCl3F2 पोलर होगा या नॉन पोलर होगा, सोचिए बच्चों सोचिए PCl3F2 पोलर होगा या फिर नॉन पोलर होगा। ये मैंने बना दिया PCl3F2। अब इसमें क्या होगा, फिर से ये तीन PCl बॉन्ड, इनका रिजल्टेंट जीरो होगा और P और F ये भी जीरो होगा, क्योंकि ये म्यू फोर और ये म्यू फाइव और दोनों ही किसके हैं, PF बॉन्ड के हैं। तो म्यू फोर इक्वल टू म्यू फाइव और म्यू फोर और म्यू फाइव के बीच एंगल कितना है, 180। तो नेट रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट क्या होगा बच्चों, जीरो होगा ना भाई, ये तीन का तो जीरो है ही, इन तीनों का तो जीरो होगा ही रिजल्टेंट, क्योंकि तीन वेक्टर हैं, तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है और तीनों 120 के एंगल पर हैं, तो इन तीनों का रिजल्टेंट क्या होगा, जीरो होगा। और म्यू फोर और म्यू फाइव का रिजल्टेंट भी जीरो होगा, क्योंकि ऐसा क्यों बोल रहे हैं भाई, क्योंकि दोनों 180 के एंगल पर हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो कंपाउंड कैसा होगा, नॉन पोलर कंपाउंड होगा, कंपाउंड विल बी नॉन पोलर। समझ गए आप इस चीज को। चलिए अब मैं आपके सामने कंपाउंड लेता हूं जिनमें लॉन पेयर भी आते हैं। अब एक बात को ध्यान रखना, डायरेक्शन ऑफ लॉन पेयर विल बी फ्रॉम एटम टू लॉन पेयर की डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन एटम से लॉन पेयर की तरफ होगी। अगर लॉन पेयर नीचे है तो एटम से लॉन पेयर की तरफ, मतलब नीचे की तरफ होगी। अगर लॉन पेयर ऊपर लगा हुआ है तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी, ठीक है जी, अब ध्यान देना। अच्छा एक बात और, डायपोल मोमेंट ऑफ बॉन्ड पेयर, इस बात को ध्यान रखना,
डायपोल मोमेंट ऑफ बॉन्ड पेयर इज नॉट इक्वल टू डायपोल मोमेंट ऑफ लोन पेयर. बॉन्ड पेयर का डायपोल मोमेंट लोन पेयर के डायपोल मोमेंट के बराबर नहीं होगा, इस बात को दिमाग में बैठा के रखना. चलिए एग्जांपल लेते हैं अब इस टाइप का. अपन जैसे मान लो एग्जांपल ले लिया मैंने NH3, ठीक है, लोन पेयर है. इसकी शेप कैसी होती है? पिरामिडल शेप होती है. अब यहां पर हम देखें डायरेक्शन क्या क्या होंगे डायपोल मोमेंट की. एच और एन के बीच के बॉन्ड के डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी एस से एन की तरफ. इस वाले बॉन्ड के डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी एस से एन की तरफ होगी. इस वाले बॉन्ड के डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी एच से एन की तरफ होगी. और लोन पेयर के डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन एटम से लोन पेयर, तो नाइट्रोजन से लोन पेयर मतलब इस तरफ होगी. इन तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट ऊपर की तरफ होगा जो इसके साथ ऐड हो जाएगा. कैंसिल आउट थोड़ी होगा, और कैंसिल आउट तो वैसे भी नहीं हो पाता क्योंकि ये बॉन्ड पेयर के रिजल्टेंट होंगे और वो लोन पेयर का रिजल्टेंट होगा, तब भी जीरो नहीं होगा. तो क्या यहां पर नेट रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट क्या होगा? जीरो होगा? नहीं. तो यहां नेट रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट नॉन जीरो होगा. तो कंपाउंड कैसा होगा? पोलर कंपाउंड होगा. ठीक है, अब लेते हैं मान लो बच्चों NF3. अब मैंने कंपाउंड ले लिया NF3, ये कंपाउंड है. अब ध्यान देना, इसमें NF बॉन्ड के शिफ्टिंग की डायरेक्शन क्या होगी, इसके डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? N से F की तरफ. इस वाले बॉन्ड के शिफ्टिंग की डायरेक्शन क्या होगी? N से F की तरफ. ऐसे तीन डायपोल मोमेंट बनेंगे यहां पर, और तीनों की डायरेक्शन मैंने बना दी है. लोन पेयर की शिफ्टिंग की डायरेक्शन होगी ऊपर की तरफ. अब ध्यान देना, इन तीनों का रिजल्टेंट किस साइड होगा? नीचे की तरफ होगा. तो क्या ये नीचे वाला इसके साथ कैंसिल आउट होगा? कैंसिल तो होगा, लेकिन एग्जैक्टली कैंसिल नहीं हो पाएगा. क्यों? क्योंकि ये इफेक्ट है लोन पेयर का, और ये जो इफेक्ट आएगा दैट विल बी ऑफ बॉन्ड पेयर. ये इफेक्ट भी बॉन्ड पेयर का होगा, और ये इफेक्ट होगा लोन पेयर का. और मैंने कहा कि लोन पेयर का डायपोल मोमेंट बॉन्ड पेयर के डायपोल मोमेंट के बराबर नहीं होता है. इस केस में यहां पर क्या होगा? इस केस में यहां पर नेट रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट नॉन जीरो होगा. मतलब कंपाउंड कैसा होगा? मतलब कंपाउंड विल बी पोलर. ठीक है जी, मैंने इन दोनों को सेपरेट कर दिया है इस तरीके से. ये दो अलग अलग कंपाउंड थे. अब जरा देख करके बताओ कि इन दोनों कंपाउंड में से किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा. तो NH3 में तो क्या हो रहा है, ये तीन डायपोल मोमेंट इसके साथ ऐड हो रहे हैं, जबकि यहां पर इन तीनों का जो डायपोल मोमेंट होगा रिजल्टेंट होगा नीचे की तरफ, वो इससे थोड़ा कैंसिल तो होगा ही होगा. तो किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा? NH3 का डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा. तो डायपोल मोमेंट ऑफ NH3 विल बी ग्रेटर देन डायपोल मोमेंट ऑफ NF3. ये एक इम्पोर्टेंट चीज है, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है. आपके NCERT में भी कई बार ये पूछा जाता है कि NH3 और NF3 में किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा. आप समझे ना आप लोग? चलिए अब मैं आपको कराता हूं, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेता हूं आपके सामने. H2O, नेक्स्ट कंपाउंड है H2O. H2O की बात करो तो ये अपना H2O जो होता है, इसकी शेप कैसी होती है? V शेप का होता है ये. ये दो लोन पेयर होते हैं इस तरीके से.
इस तरीके से होंगे। अब मुझे देख करके आप सोचो, देख करके बताओ कि एच और ओ के बीच जो बॉन्ड होगा इसका डायपोल मोमेंट किधर होगा, ओ की तरफ होगा, और एच और ओ के बीच दूसरा जो बॉन्ड होगा इसका डायपोल मोमेंट भी ओ की तरफ होगा। लॉन पेयर का डायपोल मोमेंट एटम से लॉन पेयर की तरफ, इस लॉन पेयर का डायपोल मोमेंट एटम से लॉन पेयर की तरफ इस साइड हो जाएगा। तो क्या यहाँ पर चारों वेक्टर एक दूसरे के डायपोल मोमेंट को जीरो करेंगे? नहीं, नेट रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट इज नॉन जीरो। मतलब कंपाउंड कैसा होगा? पोलर कंपाउंड होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, SF2, SF4 और SF6, ये तीन कंपाउंड लेता हूं मैं। SF2 जो कंपाउंड है बच्चों, ये कैसे बनता है? SF2 बनता है देखो ऐसे, जैसे कि H2O बनता है इस तरीके से। SF4 कैसे बनेगा? SF4 इस तरह से बनेगा, सीसो ज्योमेट्री होती है इसकी, ठीक है। और SF6 कैसे बनेगा? इसकी शेप क्या होती है बताओ? इसकी शेप होती है ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, अब देखते हैं यहां पर S और F के बीच जो बॉन्ड होगा इसका डायपोल मोमेंट फ्लोरीन की तरफ होगा, और दूसरे बॉन्ड के डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन फिर से फ्लोरीन की तरफ होगी। लॉन पेयर के शिफ्टिंग की डायरेक्शन एटम से लॉन पेयर और इसकी एटम से लॉन पेयर, इन दोनों का रिजल्टेंट ऊपर होगा। लेकिन ध्यान रखना ये लॉन पेयर का है, लॉन पेयर का रिजल्टेंट है, और इन दोनों का रिजल्टेंट नीचे की तरफ होगा, ठीक है। क्या ये दोनों एक दूसरे को जीरो करेंगे? क्या इन दोनों का रिजल्टेंट जीरो होगा? नहीं, क्यों? क्योंकि इन दोनों में क्या हो रहा है कि एक तो है लॉन पेयर का रिजल्टेंट, एक है बॉन्ड पेयर का रिजल्टेंट, और मैंने कहा था कि दोनों का डायपोल मोमेंट क्या होता है? नॉन जीरो होता है। इसलिए यहां पर क्या होगा, इसका रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट नॉन जीरो होगा। मतलब कंपाउंड कैसा होगा? कंपाउंड होगा पोलर, कंपाउंड होगा पोलर। SF4, अब SF4 के अंदर क्या करोगे कि इस वाले बॉन्ड की डायरेक्शन तो होगी S से F की तरफ, इस डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन फिर से S से F की तरफ, ऐसे ही इस वाले बॉन्ड की डायरेक्शन S से F की तरफ, और इसकी भी डायरेक्शन S से F की तरफ, और इसकी डायरेक्शन होगी एटम से लॉन पेयर की तरफ। अब ध्यान देना, इन दोनों का रिजल्टेंट जीरो होगा, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों ही सेम बॉन्ड के हैं, डायपोल मोमेंट है, और दोनों 180 डिग्री के एंगल पर हैं। इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों बॉन्ड का रिजल्टेंट होगा इधर की तरफ। क्या ये इस सल्फर, इस वाले लॉन पेयर की डायपोल मोमेंट को कैंसिल करेगा? क्या ये डायपोल मोमेंट इन दोनों के रिजल्टेंट के डायपोल मोमेंट से कैंसिल होगा? एग्जैक्टली कैंसिल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये लॉन पेयर का इफेक्ट है और ये बॉन्ड पेयर का इफेक्ट है, इसलिए यहां पर नेट रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट नॉन जीरो होगा। मतलब कंपाउंड कैसा होगा? पोलर होगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं SF6। SF6 में क्या हो जाएगा? इस वाले बॉन्ड का देखो डायपोल मोमेंट इधर और इसका डायपोल मोमेंट इधर, कैंसिल हो गया। ध्यान से देखते जाना, डायपोल मोमेंट कैंसिल हो गई। अब ये डायपोल मोमेंट और ये डायपोल मोमेंट, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 180 पर है, और ये डायपोल मोमेंट और ये वाला डायपोल मोमेंट,
ये भी जीरो होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ध्यान देना, इस डायपोल मोमेंट को इस डायपोल मोमेंट ने कैंसिल किया, इस वाले डायपोल मोमेंट को इस वाले डायपोल मोमेंट ने कैंसिल किया, और इस वाले डायपोल मोमेंट को इस वाले डायपोल मोमेंट ने कैंसिल कर दिया। इन सभी वेक्टर्स का, इन सभी डायपोल मोमेंट्स का रिजल्टेंट क्या होगा? जीरो होगा। मतलब कंपाउंड कैसा होगा? नॉन पोलर होगा। कंपाउंड विल बी नॉन पोलर। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके सामने लिए, जो एग्जांपल्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कि कौन से कंपाउंड का डायपोल मोमेंट जीरो होता है, कौन से कंपाउंड का डायपोल मोमेंट नॉन जीरो होता है। ठीक है, एक बात का ध्यान और रखना कि डायपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डायपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अगर मैं आपसे कहूं कि H2O का डायपोल मोमेंट और H2S का डायपोल मोमेंट, किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा? H2O का डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि H2O में डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो H2O का डायपोल मोमेंट विल बी ग्रेटर देन H2S। अब मैं आपसे कहूं कि CH2Cl2 ये कंपाउंड है, CH2Cl2, क्या इस कंपाउंड का डायपोल मोमेंट जीरो होगा? ध्यान देना जरा, इसकी शिफ्टिंग की डायरेक्शन एस से सी की तरफ, इसकी शिफ्टिंग की डायरेक्शन एस से सी की तरफ, इसकी शिफ्टिंग की डायरेक्शन सी से सीएल की तरफ, और इसके शिफ्टिंग की डायरेक्शन सी से सीएल की तरफ। अब यहां पर ध्यान दो कि क्या यहां पर डायपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल करेंगे? कुछ कैंसिल करेंगे, लेकिन नेट रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट नॉन जीरो होगा। तो कंपाउंड कैसा होगा? कंपाउंड पोलर होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं कंपाउंड ले लेता हूं बीई, और इधर लगा दिया सीएल, इधर लगा दिया एफ। ठीक है, बी और सीएल के बीच का जो डायपोल मोमेंट है, बॉन्ड का डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी सीएल की तरफ, और इस वाले बॉन्ड की डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी एफ की तरफ। अब क्या यहां पर दोनों डायपोल मोमेंट म्यू वन और म्यू टू सेम है? नहीं है। 180 के एंगल पर तो है, लेकिन सेम नहीं है। तो यहां पर नेट रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट क्या होगा? नॉन जीरो होगा। तो मतलब कंपाउंड कैसा होगा? पोलर होगा। तो आपके सामने कई सारे एग्जांपल्स लिए गए हैं, तो आप आइडिया लगा सकते हो, ये इस तरह से आपको याद रखना है। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखना कि CH3Fe CH3Cl CH3Br और CH3I किसका डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होना चाहिए? डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से अगर कंपेयर किया जाए तो CH3F का डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होना चाहिए और CH3I का डायपोल मोमेंट सबसे कम होना चाहिए। तो उसके बेसिस पर जो ऑर्डर आना चाहिए वो ये होना चाहिए, CH3F सबसे ज्यादा और CH3I सबसे कम। लेकिन ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्व है कि CH3Cl का डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होता है। ये तो एक्सपेरिमेंटल डेटा पर बेस्ड है कि CH3Cl का डायपोल मोमेंट CH3F से भी ज्यादा होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। चलिए एक एग्जांपल मैं आपके सामने, इसमें एक स्टैंडर्ड एग्जांपल है उसको और लेता हूं। CH3Cl CH2Cl2 CHCl3 और CCl4, बताइए किसका डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगा? किसका डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगा? तो ऐसे केस में जैसे यहां पे CCl4 है, इसका डायपोल मोमेंट तो जीरो है ही, CCl4 का डायपोल मोमेंट इसका तो जीरो है ही। बाकी जो तीन कंपाउंड होंगे, बाकी जो यहां पर तीन कंपाउंड हैं CH3Cl CH2Cl2 और CHCl3, इनका डायपोल मोमेंट होगा नॉन जीरो।
अब यहां पर ध्यान रखना कि जिसमें हाइड्रोजन एटम ज्यादा हो उसका डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगा। तो CH3Cl का डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा, उससे भी कम CH2Cl2, उससे भी कम CHCl3, और सबसे कम क्या होगा CCl4 का होगा। तो ये कुछ फैक्ट हैं जो दो एग्जांपल आपको याद रखने हैं सिंपली, और दोनों के लिए डायपोल मोमेंट का ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। इन जनरल ये कॉन्सेप्ट वैलिड होगा कि डायपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है जी, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं इसका, इस कंपाउंड की बात करें, ये बेंजीन कंपाउंड है। तो ये कंपाउंड कैसा होता है, इसका जो डायपोल मोमेंट होता है ये जीरो होता है। ये कंपाउंड कैसा होता है, नॉन पोलर होता है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, देखना। अब मैं बेंजीन पे कोई ग्रुप लगा देता हूं, मान लो सीएल लगा दिया। अब सीएल लगाने पर क्या इसका डायपोल मोमेंट जीरो होगा, नहीं। बेंजीन का डायपोल मोमेंट तो जीरो है, लेकिन इस सी और सीएल बॉन्ड के अंदर भी तो पोलैरिटी होगी। तो इसके कारण यहां पर क्या होगा, इस कंपाउंड का नेट रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट नॉन जीरो होगा। मतलब कंपाउंड कैसा होगा, पोलर होगा। अब सोचिए, अगर मैं यहां पर एक सीएल ग्रुप और लगा देता हूं, एक बार ऑर्थो पोजीशन पे, एक बार मेटा पोजीशन पे, और एक बार पैरा पोजीशन पे। अब यहां पर डायपोल मोमेंट किस ऑर्डर में होगा, अब नो डाउट थर्ड वाले केस में तो दोनों डायपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इसका डायपोल मोमेंट यहां पर क्या होगा, जीरो होगा। इसके डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी सी से सीएल की तरफ, और ऐसे ही इसके डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी होगी सी से सीएल की तरफ। इनके बीच जो यहां पर बॉन्ड एंगल होगा बच्चों, इनके बीच जो यहां पर बॉन्ड एंगल होगा, इन दोनों बॉन्ड के बीच जो बॉन्ड एंगल होगा दैट विल बी 120 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही इस वाले बॉन्ड का डायपोल मोमेंट होगा इधर, और इस वाले बॉन्ड का डायपोल मोमेंट होगा इधर। इन दोनों जो बॉन्ड यहां पर मैंने बनाए हैं, जो यहां पर मैंने दोनों बॉन्ड बनाए हैं, इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है ना, तो इसका जो डायपोल मोमेंट होगा, जैसे कि मैं कहूं कि ये म्यू है और ये भी म्यू है, ये म्यू और ये भी म्यू, ये म्यू और ये भी म्यू, तो पैरा वाले केस में तो क्या हुआ, दोनों म्यू एक दूसरे को कैंसिल कर गए। ऑर्थो वाले केस में क्या होगा, ऑर्थो वाले केस में रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट क्या होगा, रूट म्यू स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर, म्यू वन स्क्वायर प्लस म्यू टू स्क्वायर प्लस 2μ1μ2 cos थीटा, और थीटा कितना है, 60 डिग्री। तो cos 60 होता है 1/2, तो ये आपका हो जाएगा रूट 3μ। इसका डायपोल मोमेंट, इस वाले का जो डायपोल मोमेंट होगा दैट विल बी रूट म्यू स्क्वायर प्लस 2μ into μ cos 120। तो इसका डायपोल मोमेंट क्या आ रहा होगा, म्यू के इक्वल आ रहा होगा। ठीक है ना, तो ऑर्थो मेटा और पैरा, इन तीनों में से किसका डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा है, इन तीनों में से किसका डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा है, तो नो डाउट म्यू ऑर्थो ग्रेटर देन म्यू मेटा एंड म्यू मेटा ग्रेटर देन म्यू पैरा। पैरा वाले का डायपोल मोमेंट सबसे कम होगा, ऑर्थो वाले का डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगा,
और मेटा वाले का डायपोल मोमेंट बीच में आएगा। तो ये कुछ कंपाउंड मैंने कंपेयर कराए आपके सामने। एग्जांपल हम लेते हैं, ये कंपाउंड है और एक कंपाउंड अपने पास लेके चलते हैं हम, इस पे मैंने CN ग्रुप लगा दिया। इस पर मैंने CN ग्रुप को लगा दिया है। अब ध्यान देना, यहां पर ये कार्बन sp2, ये कार्बन है sp, इसकी शिफ्टिंग की डायरेक्शन होगी sp2 से sp, और CN बॉन्ड इसका डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी c से n की तरफ। ऐसे ही इस वाले बॉन्ड के डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर और इस वाले बॉन्ड के डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर। तो क्या ये सभी डायपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे? हाँ बिल्कुल कर देंगे। ये सीसी वाला जो डायपोल मोमेंट है ये सीसी से कैंसिल होगा और उधर CN वाला डायपोल मोमेंट इस CN से कैंसिल होगा। इस कंपाउंड का नेट रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट क्या होगा? इस कंपाउंड का नेट रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट जीरो होगा। मतलब कंपाउंड कैसा होगा? नॉन पोलर होगा। कंपाउंड विल बी नॉन पोलर। अब हम देखें इस कंपाउंड को, देखिए अब यहां पर जो OH ग्रुप लगे हुए हैं, अब आपको देख के लग सकता है कि सर CO बॉन्ड का डायपोल मोमेंट CO को कैंसिल कर दे और OH बॉन्ड का डायपोल मोमेंट OH को कैंसिल कर दे। गड़बड़ तब होती है जब आप इसमें आप इसको इस तरह से लगाते, इस OH बॉन्ड को अगर आप ऐसे लगा देते तो गड़बड़ हो सकती थी। पर एक्चुअल में क्या है कि यहां ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर होंगे, ऐसे इस ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर होंगे। साथ में यहां पर क्या होगा कि ये जो OH बॉन्ड होगा, ये जो OH बॉन्ड होगा ये वाला, ये इस CO बॉन्ड के अबाउट फ्रीली रोटेट कर सकता है। ये OH बॉन्ड इस CO बॉन्ड के अबाउट फ्रीली रोटेट कर सकता है कंफर्मेशन आइसोमेरिज्म होने के कारण। ऐसे ही ये OH बॉन्ड इस CO बॉन्ड के अबाउट फ्रीली रोटेट कर सकता है। अब जब फ्री रोटेशन इनके बीच में होगा तो डायपोल मोमेंट नॉन जीरो होगा। तो डायपोल मोमेंट कैसा होगा? नॉन जीरो होगा। तो इस केस में यहां पर डायपोल मोमेंट नॉन जीरो होगा, मतलब कंपाउंड विल बी पोलर। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर मैं मान लीजिए इसमें ये कंपाउंड बना देता, तो डायपोल मोमेंट क्या होगा? नॉन जीरो होगा। तो कंपाउंड ये भी क्या होगा? पोलर होगा। ठीक है, ये कंपाउंड बनाया देखिए ये कंपाउंड कैसा होगा? ये भी पोलर होगा क्योंकि डायपोल मोमेंट नॉन जीरो है, क्योंकि इसकी शिफ्टिंग की डायरेक्शन इधर और इधर, और ये CL तो कैंसिल आउट थोड़ी होगा क्योंकि डायपोल मोमेंट अलग अलग बॉन्ड के हैं। भाई नीचे की तरफ जो डायपोल मोमेंट है ये C और CL के बीच का बॉन्ड का डायपोल मोमेंट है और ऊपर वाला डायपोल मोमेंट CCN बॉन्ड का डायपोल मोमेंट होगा, तो कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा। तो डायपोल मोमेंट विल बी नॉन जीरो, कंपाउंड विल बी पोलर। अब कुछ कंपाउंड लेते हैं एल्किन टाइप के। जैसे कि हमने कंपाउंड ले लिया, सपोज ये कंपाउंड है,
ये तीन कंपाउंड को लिया, इन तीनों कंपाउंड को लेने पर क्या होगा, इस C और Cl के बीच का जो डायपोल मोमेंट होगा उसकी डायरेक्शन होगी Cl की तरफ और इसके डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी इधर। H और C के बीच जो डायपोल मोमेंट होगा इसकी डायरेक्शन होगी H से C की तरफ और इसके डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी होगी H से C की तरफ। इन चारों का रिजल्टेंट एक ही तरफ आएगा लेफ्ट साइड, तो नेट रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट विल बी नॉन जीरो, कंपाउंड विल बी पोलर। ठीक है, इस कंपाउंड को अगर देखें हम तो इसमें डायपोल मोमेंट इधर और इसका डायपोल मोमेंट होगा इधर, इस बॉन्ड का डायपोल मोमेंट होगा इधर और इस बॉन्ड का डायपोल मोमेंट होगा इधर। क्या ये डायपोल मोमेंट कैंसिल आउट हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें भी देखो ये दोनों क्लोरीन का जो यहां पर रिजल्टेंट आएगा वो ऊपर की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ आने वाला है, और इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा वो भी ऊपर की तरफ आएगा, तो यहां भी नेट रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट नॉन जीरो होगा, तो ये कंपाउंड भी पोलर होगा। अब इस कंपाउंड की बात करें, इस कंपाउंड में ये दोनों डायपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, ये दोनों क्लोरीन वाले डायपोल मोमेंट एक दूसरे के 180 पर हैं, 180 डिग्री पर हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जीरो और इन दोनों का रिजल्टेंट भी जीरो, इन दोनों का रिजल्टेंट जीरो। अब H और C का जो बॉन्ड होगा इसका डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन S से C की तरफ होगी और इस बॉन्ड के डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी S से C की तरफ होगी। तो फिर से यहां पर क्या होगा, ये दोनों बॉन्ड एक दूसरे के डायपोल मोमेंट को जीरो कर देंगे, इनका नेट रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा, कंपाउंड कैसा होगा, नॉन पोलर होगा। तो इन जनरल ये कहा जाता है, इन जनरल सिस का डायपोल मोमेंट ट्रांस वाले केस से ज्यादा होता है। सिस का मतलब क्या है कि जब दोनों ग्रुप सेम साइड लगे हुए हैं, दोनों क्लोरीन सेम साइड हैं, तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलेंगे सिस आइसोमर। यहां पर दोनों सेम एटम एक दूसरे के अपोजिट लगे हुए हैं तो ये कंपाउंड होगा ट्रांस आइसोमर। डिटेल में आप पढ़ोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो इन जनरल ये रिजल्ट है कि सिस का डायपोल मोमेंट ट्रांस से ज्यादा होता है, ये कंपाउंड था। एक नेक्स्ट कंपाउंड लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये अपना कंपाउंड है सी डबल बॉन्ड सी और मैंने यहां पर चारों हाइड्रोजन लगा दिए, ठीक है जी, चार हाइड्रोजन लगा दिए मैंने यहां पर। इसमें यहां पर क्या होगा, इस केस में जैसे मैंने यहां दो क्लोरीन लगा दिए, ठीक है, और एक कंपाउंड मैंने ले लिया, चलो इस टाइप का, इस टाइप का, ये दो कंपाउंड आपको दिख रहे हैं, एक्चुअल में ये दोनों कंपाउंड आइडेंटिकल है एक दूसरे, ये दोनों कंपाउंड क्या है, आइडेंटिकल टू ईच अदर। क्यों, ये सेम कंपाउंड है, ठीक है, ये दोनों सेम कंपाउंड है। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं, अगर आपने कंपाउंड बनाया इस तरह से, ठीक है, ये तो यहां पर क्या होगा, ये जो CC बॉन्ड होगा, ये C डबल बॉन्ड C जो यहां पर बॉन्ड होगा, ये दोनों के जो ऑर्बिटल यहां पर P ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करके जो बॉन्ड बनाएंगे, एक्चुअल में अगर इस बॉन्ड को मैं कहूं कि ये बॉन्ड हॉरिजॉन्टल प्लेन में है
ये बॉन्ड अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में है तो ये जो बॉन्ड होगा, ये बॉन्ड पाई बॉन्ड इस तरह से बन रहा है कि ये एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड आपकी तरफ, एक बॉन्ड मेरी तरफ। तो ये जो दूसरा बॉन्ड मैंने यहां पर दिखाया है, ये वाला बॉन्ड, ये वाला पाई बॉन्ड, ये कैसे होगा? एक प्लेन से ऊपर, एक प्लेन के नीचे। तो आप देख सकते हो कि अगर फर्स्ट वाले पाई बॉन्ड को मैं कहूं, जो इसकी ज्योमेट्री की बात करते हैं, तो फर्स्ट वाला पाई बॉन्ड अगर सेम प्लेन में है, एक आपकी तरफ, एक पीछे की तरफ, मेरी तरफ, तो इसी तरह से यहां पर क्या होगा कि जो ये वाला जो पाई बॉन्ड होगा, ये क्या होगा, तो ये इसके अंदर जो ओवरलैपिंग होगी, तो ओवरलैपिंग कैसे होगी, इसकी जो दो लोब जो ओवरलैप करेंगी, तो एक ओवरलैपिंग तो होगी अबव द प्लेन, एक होगी बिलो द प्लेन, तो ये दूसरे प्लेन के अंदर आएगा, ये आ गया वर्टिकल प्लेन में। अब अगर ये दोनों एटम सेम प्लेन में, अगर सोचो कि दोनों बॉन्ड सेम प्लेन में नहीं है, तो क्या होगा, ये दोनों क्लोरीन तो सेम प्लेन, ये यहां पर ये क्लोरीन और ये हाइड्रोजन, ये तो सेम प्लेन में आएंगे, लेकिन ये हाइड्रोजन और क्लोरीन ये सेम प्लेन में नहीं होंगे, एक अबव द प्लेन होगा। अबव द प्लेन को मैं यहां पर डैश बना के शो करता हूं, एक अबव द प्लेन होगा और एक बॉन्ड इसमें बिलो द प्लेन होगा, एक बॉन्ड इसमें बिलो द प्लेन होगा, ठीक है, एक बॉन्ड अबव द प्लेन होगा और एक बॉन्ड बिलो द प्लेन होने वाला है। इस चीज को आप चाहो तो पहले वाले जो केस में आपने लिखा था, आप इसको यहां पर हटा सकते हो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है, इसको मैंने हटा दिया है, इसको कंसीडर किया है। तो जब हम क्या करते हैं, जब डाई इन बनाते हैं, तो क्यूमुलेटेड डाई इन के केस में क्या होता है कि दो बॉन्ड तो यहां पर सीएल और एच के जो बीच के यहां पर जो बॉन्ड होंगे, ये बॉन्ड तो यहां पर सेम प्लेन में होंगे, ये बॉन्ड तो यहां पर सेम प्लेन में होने वाले हैं। तो इन इस वाले बॉन्ड की हम बात करेंगे, तो ये वाले बॉन्ड यहां पर सेम प्लेन में होंगे, दोनों सीएल और एच के बॉन्ड, ये दोनों बॉन्ड सेम प्लेन में है, लेकिन ये जो बॉन्ड यहां पर आप देख पा रहे हो, ये जो बॉन्ड आप देख रहे हो, ये बॉन्ड जो है, ये वेज, इसको मैंने बनाया है वेज, मतलब अबव द प्लेन, और इसको मैंने बनाया है डैश, ये बनाया है डैश, इस डैश का मतलब होता है बिलो द प्लेन, तो क्या यहां पर इन दोनों का डायपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल करेगा? नहीं, इन दोनों का डायपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेगा, इन दोनों का डायपोल मोमेंट भी एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेगा। तो इस कंपाउंड का रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट नॉन जीरो होगा, जबकि अगर यहां पर कंपाउंड ये पोलर होगा, अगर मैं सपोज करो कि यहां पर तीन बॉन्ड बना देता क्यूमुलेटिव टाइप का, इस केस में क्या होगा? तो मैंने आपको कहा कि ये अगर डबल बॉन्ड हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, तो ये डबल बॉन्ड वर्टिकल प्लेन में होगा, फिर से क्या होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, फिर हॉरिजॉन्टल में आएगा, तो ये प्लेन, ये जो यहां पर चारों एटम है, ये चारों एटम यहां पर क्या होंगे, सेम प्लेन में होंगे, ये चारों एटम सेम प्लेन में होंगे, जबकि यहां पर ये दोनों एटम तो सेम प्लेन में थे, और ये दोनों एटम इन दोनों एटम के सेम प्लेन में नहीं थे, इसलिए डायपोल मोमेंट यहां पर जीरो नहीं हो पाया था, जबकि यहां डायपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा बिल्कुल, ये इसको कैंसिल कर देगा और ये इसको कैंसिल कर देगा, इसका रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट जीरो होगा, तो कंपाउंड कैसा होगा, नॉन पोलर होगा।
तो बच्चों ये था डायपोल मोमेंट के बारे में कि कोई कंपाउंड पोलर होगा या नॉन पोलर होगा, तो उसको हम डिसाइड कैसे करते हैं, उसके डायपोल मोमेंट से डिसाइड करते हैं। अगर डायपोल मोमेंट जीरो होगा तो कंपाउंड नॉन पोलर होगा, और अगर कंपाउंड का डायपोल मोमेंट नॉन जीरो है तो मतलब वो पोलर होगा। और किस तरह से हम डायपोल मोमेंट निकालते हैं वो मैंने आपको आज की क्लास में सिखाया, आप इसको रिवाइज करेंगे और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच आज के लिए।